लिखा है वो कोई दे नहीं सकता, क्यों अच्छा है ना। जो भाग्य में लिखा है वो कोई ले नहीं सकता, जो भाग्य में नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। क्या चीज दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा? हो जाएगा तो हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे कल कहां तक पढ़े थे हम लोग, कहां तक? अच्छा पूरा पढ़ लिए थे कल, बचा था। यहाँ पे क्या टाइप करूं तो खुलेगा एमएस वर्ड? क्या बात है, तुम लोग का याददाश्त तो इतना तगड़ा है, हम क्या बताएं। ठीक है खुल गया, कहां तक पढ़े थे जरा बताना। मालूम ये पूरा कंप्लीट था, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत है नहीं है, दिक्कत है नहीं है क्या? कौन सा फिर से बताऊं, कोई एक ठो मेन्यू या सारा? प्रिंट का बताइए। सिर्फ प्रिंट का, इसमें आना है जी, क्लिक कर देना प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। प्रिंट पेज ये जहाँ पे कर्सर रहेगा ना, जो डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड होगा जहाँ पे कर्सर रहेगा, ठीक है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ है, ठीक है, मैं दो तीन पन्ना बना लिया, अब मेरा कर्सर यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो पेज नंबर दूसरे पे मेरा कर्सर चला गया। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा ना आके, और करंट पेज पे क्लिक करूंगा, तो जिस पे कर्सर है मेरा वो पन्ना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड है, चाहो तो देख सकते हो दोबारा, आज अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक, और कोई दिक्कत किसी को नहीं है? दिक्कत नहीं है तो अपने से बना लो, बैठिए बताइए। वेट, कहाँ पे था मैं? तो ये कंप्लीट है ना। अच्छा एक चीज सोचा कल बता दूं, लेकिन सोचा कि थोड़ी देर में बताऊंगा, फिर भूल गया मैं, ठीक है। ये जितने कमांड्स वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, सबको आप कीबोर्ड से चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। कैसे? सबसे पहले ऑल्ट का बटन आपको दबाना है। कौन सा ऑल्ट है जानते हैं ना? ये देख लीजिए, ये वाला बटन है, इसको दबाना है पहले, ठीक है। इसको दबाएंगे फिर इधर वाला की दबाना है। कौन सा की दबाना है बता रहा हूं, ऑल्ट में दबाया, ऑल्ट, ठीक। ये सारा एक्टिवेट हो गया। अब जहां पे मेरे को जाना है वो बटन दबाऊंगा, जैसे मेरे को यहां पे जाना है, ठीक है, दबा दिया मैं F, ठीक। अब मेरे को कहां पे जाना है, ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना था, ठीक है, तो मैं माउस ले गया तो गायब हो गया, ठीक है, तो P दबा दिया तो प्रिंट वाला खुल गया, ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां पे जैसे ये वाला विंडो चाहिए मेरे को, ठीक है, तो क्या करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा, फिर F दबाऊंगा, फिर P के बगल में दिख रहा है ना W, मैं माउस ले जाऊंगा तो हट जाएगा वो, ठीक है, W पे क्लिक किया, ए आ गया, ठीक है। अब P दबाऊंगा तो प्रिंट होगा, Q दबाऊंगा तो क्विक प्रिंट होगा, V दबाऊंगा तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये लगता है ना कि मैं गलती से इधर आ गया, मेरे को तो सेव एज वाले में जाना था, ठीक है, सेव एज वाले में जाना था, गलती से मैं प्रिंट में आ गया, तो क्या करूंगा, बैक जाऊंगा मैं। बैक कैसे जाऊंगा, एक बार एस्केप दबा दिया तो एक कदम पीछे आया। अब क्या करूंगा, सेव और सेव एज दो टो है, मेरे को सेव एज वाले में जाना है, ठीक है, तो ए दबाऊंगा तो सेव एज चलेगा, लेकिन एफ दबाऊंगा तो सेव एज के बाद किनारे जो खुलता है वो वाला खुलेगा, ठीक है। एफ मैं दबा दिया तो इसमें आ गया, ठीक है। अब जिस पे क्लिक, जो की दबाऊंगा वो वाला एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा आसान है ना। आगे चले, आज होम वाले को देख ले पूरा, चलिए जी देख लेते हैं होम वाले को। ये है कॉपी पेस्ट का सेक्शन, ठीक, इसको मैं बंद कर देता हूं। कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है जी, मैं कुछ भी यहां पे लिख दिया, ठीक। अब मुझे, मैं क्या चाहता हूं कि इसको कॉपी करूं, ठीक है, कॉपी इस ऐसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये हो जाएगा
कॉपी, ठीक है। रुकना दो सेकंड, सर का कॉल आ गया, ठीक है। सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी दबाऊंगा तो कॉपी हो जाएगा, ठीक। राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा तो भी हो जाएगा। अब दोबारा मेरे को पेस्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल वी दबाऊंगा तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने का एक और की है, ठीक है, वो क्या की है मैं बता देता हूँ आपको, लोग बहुत कम जानते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप भी जान जाएं। अब अभी मैं कंट्रोल वी दबाऊंगा तो ये पेस्ट, कॉपी है तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ये जो है कॉपी है अभी क्लिपबोर्ड में, ठीक है। कोई भी एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट आप कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाता है, ठीक। क्लिपबोर्ड वाले में ऑप्शन में क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्लिपबोर्ड से मेरे को सारा कंटेंट डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट क्लियर कर दिया। अब मैं पेस्ट करूंगा तो ये पेस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्लिपबोर्ड में जाता है पेस्ट होने के बाद, और क्लिपबोर्ड से मैं डिलीट कर दूंगा तो नहीं होगा कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब दूसरा क्या बटन है कॉपी पेस्ट करने का, तो पहला तो कंट्रोल सी है कॉपी का और कंट्रोल वी है पेस्ट करने का। दूसरा क्या है, शिफ्ट के साथ दबाइए इंसर्ट, वो हो जाएगा कॉपी, ठीक। एंटर दबाया, फिर मैं दबाता हूं एक मिनट, नहीं जी मैं गलत बताया, कंट्रोल इंसर्ट आपको दबाना होगा, ठीक है। कंट्रोल इंसर्ट दबाएंगे तो हो जाएगा कॉपी, और फिर शिफ्ट इंसर्ट दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होगा, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करने का दूसरा शॉर्टकट बटन है। हर जगह पे कंट्रोल सी काम नहीं करता, ठीक है। जैसे टर्बो सी प्लस प्लस का आईडी आता है उसमें कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट काम करता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो जहां पे फेल हो जाएगा कंट्रोल सी भी, वहां पे कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट आपका काम करेगा, ठीक है, हर जगह ये काम करेगा, ठीक। आगे चलें, राइट क्लिक करके भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट सबको समझ में आ गया ना। अब उसके बाद है ये कैंची वाला ऑप्शन, ठीक है। ये कैंची क्या करता है जी, एक्टिवेट होगा, यहां से भी ये कॉपी है ये पेस्ट है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल भी एक्ट होता है, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ उसको, ठीक है। कट का क्या मतलब है, कट का मतलब है मूव कर देना, ठीक है। जैसे यहां पे कुछ लिखा, यहां पे कुछ लिखा, ठीक है। अब मेरे को याद आ रहा है कि ये लाइन जो यहां पे है, ठीक है, जो लाइन यहां पे है ये लाइन यहां नहीं होना चाहिए था, ये लाइन तो यहां पे नीचे होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे कंट्रोल एक्स दबाऊंगा, कट हो जाएगा, यहां पे लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक। कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको पकड़िए ऐसे, ठीक है, और माउस पे क्लिक करेंगे और फिर ऐसे ड्रैग करके जहां ले जाना चाहे ये चला जाएगा, ऐसे भी मूव हो सकता है। ये देखिए यहां पे आ गया, इसको यहां ले जाऊंगा तो यहां चला जाएगा, यहां पे ले जाऊंगा तो यहां चलेगा, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, वैसे ही ये यहां पे काम करेगा, ठीक। ये समझ में आ गया, ये मेनू को पढ़ेंगे थोड़े से देर में, ठीक है। थोड़े शॉर्टकट्स की और जान लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट कट समझ में आ गया, अब ये पेस्ट स्पेशल क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला है फॉर्मेट पॉइंटर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे तो इसको मैं बोलता हूं अपने शब्दों में कॉपी स्पेशल, ठीक है। यहां पे आता हूं, यहां पे आता हूं, ठीक है। इसका मैं क्या करूंगा, कलर वगैरह बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और इसका कलर बदल दूँ, बदल देता हूँ जी, कलर रेड कर दिया, ठीक है, बोल्ड है और रेड है, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेटिंग कर दिया, ठीक। अब ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको आऊंगा, इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया, क्या हुआ, इसका फॉर्मेट इसमें चला गया, ठीक। कंट्रोल जेड मारता हूं मैं, ठीक है, फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक किया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। इसका फॉर्मेट इसमें आ गया, ठीक है। इस पे क्लिक किया, फिर इस पे आया, अब तो दोनों एक ही फॉर्मेट है तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब मतलब इसका ये है, यहां पे लिखता हूं ए बी सी,
बड़ा अक्षर में, ठीक है। नीचे लिखता हूं एक्स वाई जेड, इसको भी बड़ा करता हूं। दोनों में क्या अंतर है, ये रेड कलर का है, ये एबीसी सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे मालूम नहीं है कि इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ रेड किया हूं और फॉन्ट बड़ा किया हूं, ठीक है। लेकिन हो सकता था कि फॉन्ट का स्टाइल कुछ और भी था, हो सकता है ऐसा फॉन्ट होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जितना फॉर्मेटिंग आप किए हैं ना, आपको मालूम नहीं है कि आप कितना फॉर्मेटिंग किए हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इसका सारा फॉर्मेटिंग उठाऊं और इसमें भी अप्लाई कर दूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। जैसे ये फॉर्मेट पॉइंटर का इस्तेमाल किया हमने, मैं क्या करूंगा, यहां पे आया, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया और यहां पे, यहां ये देखिए पेस्ट स्पेशल है ना, क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये चला जाएगा फॉर्मेट। यहां ये देखिए बहुत सारा फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट वी दबा दिया तो हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी क्या करता है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मेट कॉपी होगा, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे तो फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। फिर से करके दिखाऊं, ये देखिए यहां आ गया, अब यहां पे नॉर्मल कर दिया, ठीक है। यहां पे मैं आता हूं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया और इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट वी दबा दिया, ठीक, तो इसका फॉर्मेट इसमें भी आ गया। ये बात क्लियर है आपको, आगे चले। कुछ भी चीजें मैं इसको तो बंद कर देता हूं, यहां पे मैं कुछ भी चीजें टाइप कर दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, जनरली लोग माउस से सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, सेलेक्ट आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कैसे, क्या चीज, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक, लेकिन कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। मैं चाहता हूं जी कि आधा लाइन सेलेक्ट हो, तो क्या करूंगा, शिफ्ट बटन दबाऊंगा और एरो की से ले जाऊंगा तो सेलेक्ट होने लगेगा, ठीक। अब एरो की आप दबाएंगे तो एक एक कैरेक्टर लेफ्ट जा रहा है, एक एक कैरेक्टर राइट जा रहा है, ठीक है। मैं दो चार लाइन और लिख लेता हूं तो फिर आपको बता दूंगा इन सब का शॉर्टकट थोड़े बहुत हैं जो, ये देखिए, ठीक। अब एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एरो की दबाएंगे, ठीक। लेकिन एक एक कैरेक्टर के जगह पे हमें एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक, तो क्या करेंगे, सिलेक्शन बाद में करेंगे, पहले एक एक वर्ड आगे पीछे हम ले जाके देखते हैं कर्सर अपना, ठीक। तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और फिर एरो की दबाएंगे, जिधर का एरो राइट का दबाएंगे तो राइट में एक एक वर्ड जाएगा और लेफ्ट का दबाएंगे तो लेफ्ट में एक एक वर्ड जाएगा। मैं कंट्रोल दबाता हूं, एरो की देखिए दबा रहा हूं, एक एक वर्ड आगे पीछे जा रहा है ना, ये देखिए, नीचे करूंगा तो एक एक लाइन आएगा, ये देखिए, ठीक, ये देखिए आ रहा है एक एक वर्ड। अब इसी को शिफ्ट के साथ में एरो की दबाऊंगा तो एक एक वर्ड हमारा सिलेक्ट होगा, ठीक, ये समझ में आ गया। वाइवा में या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक एक वर्ड मेरे को सिलेक्ट करना है तो क्या करूं, या फिर कंट्रोल के साथ एरो की दबाएंगे राइट एरो तो क्या होगा, तो एक एक वर्ड सिलेक्ट होगा, ठीक, आगे चले। अब लाइन के आखिरी में जाना है तो क्या करने का जी, ये एक लाइन है, ठीक है, इसके मैं आखिरी में पहले से हूं, अब इसके मेरे को यहां पे जाना है सीधा, तो एरो की अगर मैं दबाऊंगा तो एक एक वर्ड ही आएगा ना, लेकिन इस लाइन के शुरुआत में जाना है तो क्या करूंगा, मैं होम बटन को दबा दूंगा, ठीक, तो आ गया शुरुआत में, ठीक है, और फिर इंड बटन दबा दूंगा तो आ जाऊंगा आखिरी में, ठीक है। मैं थोड़ा सा और लिखता हूं, ठीक, ये लिख दिया मैं, और दो लाइन तीन लाइन लिख लूं तो फिर समझ में आए कुछ, ठीक है, ये देखिए, अब होम दबाया तो लाइन के शुरुआत में आ जाऊंगा, इंड दबाऊंगा तो आखिरी में आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब यही काम शिफ्ट के साथ करूंगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ होम दबाऊंगा तो
एक ही एक लाइन पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, होम दबाता हूं तो शुरू में जाता है कर्सर, लाइन के शुरुआत में, वही शिफ्ट दबा के दबा दूंगा तो सिलेक्ट कर देगा पूरा। ठीक है, अब वही मेरा लाइन यहां पे है, लाइन के फर्स्ट में है मेरा कर्सर। ठीक है, वही शिफ्ट के साथ इंड प्रेस करूंगा तो पहला लाइन पूरा सिलेक्ट कर देगा। ठीक, समझ में आ गया है, क्लियर है। अब ये पैराग्राफ है, ठीक है, मेरे को एक एक पैराग्राफ जो है ऊपर नीचे या आगे पीछे जाना है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और कॉपी पेस्ट थोड़ा सा कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया ऐसा। ठीक है, मेरे को एक एक पैराग्राफ ऊपर नीचे जाना है। ठीक है, तो कैसे करूंगा, ये देखिए एक एक पैराग्राफ में जा रहा हूं, ये देखिए एक एक पैराग्राफ है ना, ये चार पैराग्राफ में लिखा हूं। ठीक है, ये देखिए अब मेरा कर्सर यहां है, मैं सीधा जाता हूं दूसरे पैराग्राफ में, तो कंट्रोल के साथ अप एरो दबा दिया तो आखिरी में आ गया। ठीक है, फिर ऐसे किया तो फिर यहां पे आ गया दूसरे पैराग्राफ में, फिर ऐसे। ठीक है, एक एक पैराग्राफ आपको आगे पीछे जाना है तो ऊपर नीचे का की दबाएंगे, अप की या डाउन की। ठीक, वही अगर डॉक्यूमेंट के आखिरी में आपको जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे। ठीक, नहीं आखिरी में जाना है तो कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे। ठीक है, शुरुआत में आना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे। ठीक, मेरा आखिरी डॉक्यूमेंट यहां था, कंट्रोल इंड से आ गया, कंट्रोल होम दबाऊंगा तो फर्स्ट में आ जाऊंगा। ठीक, कंट्रोल पेज डाउन दबाएंगे तो क्या होगा, इसमें आ गया, कंट्रोल पेज डाउन का है मेरा, कंट्रोल पेज डाउन दबाऊंगा तो एक एक पेज आ जाऊंगा। ठीक है, एक एक पेज मैं पेज ब्रेक करके दो चार पेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब मैं नीचे वाले आठवें नंबर पेज पे हूं, अब पेज मैं अप दबाता हूं, ये देखिएगा पेज सातवां में आ गया, फिर कंट्रोल के साथ पेज अप दबाया तो छठवां में आ गया, फिर कंट्रोल के साथ पेज अप दबाया तो पांचवां में आ गया। तो एक एक पेज ऊपर नीचे जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप या डाउन आप दबा लेंगे। ठीक, अगर सिर्फ पेज अप या डाउन दबाएंगे तो क्या होगा, ये देख लीजिए जा रहा है। ठीक, ऊपर नीचे, तो यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल के साथ इंड में दबाया, आखिरी में आया, अब कंट्रोल शिफ्ट होम दबाऊंगा तो चला जाऊंगा पूरा सिलेक्ट करके। ठीक, जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहां मेरा कर्सर है, यहां का सारा ऊपर का कंटेंट मुझे डॉक्यूमेंट के आखिरी तक सेलेक्ट करना है। ठीक, अरे शुरुआत तक, तो क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और होम दबा दूंगा, ये देखिए। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे। ठीक, शिफ्ट के साथ जो सिलेक्शन है वो यहां भी काम करेगा, ये देखिए एरो की दबाऊंगा तो ये देखिए सिलेक्ट हो रहा है शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो ये काम करेगा यहाँ पे भी। ठीक, आगे चले, थोड़ा और मैं टाइप कर लेता हूं ऐसे। ये देखिए मैं इंटर की दबाता हूं तो अगले लाइन पे पहुंच जाता हूं। ठीक है, लेकिन इंटर नहीं दबाता तो भी लाइन खत्म होने के बाद पहुंच जाता हूं नीचे में अगले लाइन पे। अब क्या इन दोनों में अंतर है, अंतर है जी, क्या अंतर है, जो आप इंटर करके दूसरे लाइन में आते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है पैराग्राफ चेंज करना। ठीक, और जो आप बगैर इंटर दबाए लाइन खत्म होने के बाद आप दूसरे लाइन में आते हैं तो उसको कहा जाता है वर्ड रैपिंग। ठीक, जैसे आप कॉपी पेन में लिखते हैं तो एक पैराग्राफ चेंज करना हुआ तो लाइन छोड़ देते हैं एक, तो इसमें तो लाइन छोड़ेंगे नहीं, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है वैसा, तो एंटर दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। ठीक, दोनों में ये अंतर है। ठीक, इसका क्या प्रमाण है जी, प्रमाण चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक, ये वर्ड काउंट का शॉर्टकट बटन है। ठीक है, यहां पे क्लिक करेंगे तो भी नहीं, नहीं ये तो एरर वाला है, यहां पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा वर्ड काउंट। ठीक है, अभी क्या बता रहा है, पेज पहला है, एक पन्ना है टोटल डॉक्यूमेंट में, टोटल वर्ड के सिलेक्शन का है ये।
सिलेक्ट किया था तो सिर्फ उसी को चेक कर रहा था। अब देखिए, ठीक है, पेज पहला एक पेज है, टोटल वर्ड कितने हैं 27 वर्ड हैं, कैरेक्टर नो स्पेस कितने हैं 334, कैरेक्टर विद स्पेस कितने हैं 360, पैराग्राफ कितने हैं एक, लाइन कितने हैं 5, 5 ही लाइन है ना। चलिए जी, मैं यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, ये कहलाया एक पैराग्राफ, ठीक, कहाँ है, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं टाइप करता जा रहा हूँ, इसमें लाइन नीचे आएगा, आ गया नीचे, तो क्या ये पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ, प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं एंटर तो दबाया नहीं हूँ, एंटर नहीं दबाया तो पैराग्राफ चेंज नहीं हो गया। पूछते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या कहता है, ये देखो कह रहा है पैराग्राफ तो जी एक ही तो है, ठीक है। अब एंटर दबा के मैं अगले लाइन में आया, अब टाइप किया, ठीक है, तो ये कहला गया अब दूसरा पैराग्राफ, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट जी दबाया, अब यहाँ पे बोल रहा है दो पैराग्राफ दो, ठीक, तो सिद्ध हो गया ये कि एंटर दबाने से पैराग्राफ चेंज होता है और बिना एंटर दबाए दूसरे लाइन में पहुंचना, जिसको बोला जाता है वर्ड रैपिंग, ठीक है। हो सकता है कोई पूछ ले आपसे वाइवा वगैरह में कि वर्ड रैपिंग और पैराग्राफ में क्या अंतर है, तो ये अंतर यही है, ठीक। आगे चलें और कुछ भूल तो नहीं रहा हूं मैं, भूल रहा हूं तो देख लेंगे आगे, ठीक, कुछ लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, कुछ फॉन्ट वगैरह बदलते हैं यहां से, ठीक है, यहां से आप फॉन्ट बदलते हैं, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पे आऊंगा, मैं फॉन्ट का नाम डाल दिया टाइम न्यू रोमन, ठीक है, एंटर करूंगा, फॉन्ट बदल गया, ठीक। आपको फॉन्ट बदलना है तो सिलेक्ट करके यहां से आप बदल सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट का साइज बदलना है, यहां से आप बदल सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि फॉन्ट का मिनिमम साइज कितना होगा, मैक्सिमम साइज कितना होगा, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें आता है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेनू में ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, इसमें आपको याद रखना है कि मिनिमम होता है 8, मैक्सिमम होता है 72, इसको लंबा करूंगा तब वो 72 रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चाहे टाइप तो कर ही सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना होगा मैं मुंह से बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, प्रमाण दे रहा हूं, ये देख लीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ फॉन्ट कितना होगा, 1 होगा मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा 1638, इससे बड़ा फॉन्ट नहीं हो सकता, ठीक, इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाएगा पक्का, ठीक, पक्का पूछा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो वाइवा ले रहा है, हो सकता है वो पूछे चाहे ना पूछे, वो वाइवा लेने वाले के काबिलियत पे डिपेंड करता है, ठीक, लेकिन ऑनलाइन जब आप एग्जाम देंगे उसमें पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना आप। और ड्रॉप डाउन मेनू में 8 से 72 होता है, ये भी आप याद रखना, ठीक, यहां से फॉन्ट वगैरह जो है बढ़ा घटा सकते हैं। इसका शॉर्टकट बटन क्या है, इसके 2 शॉर्टकट बटन है, दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, अंतर मैं बताऊं उससे पहले इस एमएस ऑफिस को बंद करके मैं फिर से खोलता हूं, ठीक है। अभी टाइप करूंगा तो ऐसा टाइप होगा, ठीक है, अब मैं फॉन्ट बदलूंगा, ठीक है, बदल दिया फॉन्ट टाइम न्यू रोमन्स तो हो गया, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं आए, तो इसमें कब आएंगे, जब हम सिलेक्ट करेंगे, राइट, तो सिलेक्ट नहीं किया और फॉन्ट बदल दिया, तो क्या फॉन्ट नहीं बदला, बदला या नहीं बदला बताइए, फॉन्ट तो बदल गया ना, तो दिख कहां रहा है, दिखना चाहिए था ना, फॉन्ट बदल गया, ठीक है, लेकिन वो दिखेगा कब, जब मैं टाइप करना शुरू करूंगा, ठीक। सिलेक्ट करके हम अगर फॉन्ट बदलते हैं तो सिर्फ फॉन्ट में बदलाव वहीं तक आएगा जहां तक हमारा सिलेक्टेड होगा, राइट, लेकिन बिना कुछ सेलेक्ट किए और हम फॉन्ट बदल देते हैं, फॉन्ट बदलें, कलर बदलें या बोल्ड इटैलिक कर दें, ये सब कुछ भी कर दें, तो बदलेगा तो, लेकिन कब, जब हम टाइप करना शुरू कर देंगे तब, ठीक। ये देख लो, फॉन्ट का साइज में बड़ा कर दिया तो ऐसा हो गया,
तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलें, यहां तक सबको क्लियर है? कछु डाउट है तो बताओ, नहीं है? चलो अब इसका शॉर्टकट बटन क्या है फॉन्ट को बड़ा छोटा करने का, मैं कुछ टाइप कर लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, शिफ्ट के साथ होम दबा दिया, एक बार में सेलेक्ट हो गया, ठीक है, 8 है, फिर 9 है, फिर 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, लेकिन 12 के बाद 13 नहीं है, सीधा 14 है, 14 के बाद सीधा 16 है, 16 के बाद सीधा 18 है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बाय डिफॉल्ट यही हमें शो कर रहा है, ठीक। तो इसका शॉर्टकट बटन दो ठो है, मैं लिख देता हूं यहां पे दोनों को, क्या है, CTR, क्या लिख रहा हूँ, CTRL प्लस कंट्रोल प्लस SHIFT प्लस, पहले इसको लिखता हूँ, ठीक, इसको, फिर CTRL प्लस ये, इन दोनों से फॉन्ट जो है बड़ा और छोटा होता है, पक्का है कि पूछेगा शॉर्टकट बटन, ये दोनों में से, ये दोनों को पूछेगा और कंफ्यूज काफी करेगा आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि सेलेक्ट में किया, ठीक है, ये जो साइन है ना, ये साइन है, इसको कहा जाता है लेस देन, ठीक, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन, बड़ा और छोटा का चिन्ह है जो आप गणित में पढ़े थे, ठीक है। इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है कि लेस देन ये है कि ये है, ठीक है। तो दो ठो इसमें तीर का निशान है इधर, ठीक है, अगर तीर का निशान अगर इधर लेफ्ट साइड में है तो मान लो जी लेस देन है, और राइट साइड में तीर का निशान है तो मान लो ग्रेटर देन है, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट अगर आप लेस देन दबाओगे तो क्या होगा, फॉन्ट का साइज जो है घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन कितना घटेगा, तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है, जैसे 12 के बाद सीधा 16 था ना, 16 के बाद सीधा 18 था, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट घटेगा, दिखा रहा हूं ये देखिए, और ग्रेटर देन से बढ़ेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जैसे अभी 24 है, दिख रहा है ना, यहां पे देखना अभी 24 है ना, 24 के बाद क्या होना चाहिए, 22 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, लेस देन दबाऊं, लेस देन दबाऊं, ये देखिए 22 हो गया, 22 के बाद जो बाय डिफॉल्ट कम होगा वो हो जाएगा, ये देखिए 20 हो गया, 21 हुआ ही नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से घटेगा बाय डिफॉल्ट और ग्रेटर देन से बढ़ेगा बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होगा, ठीक, क्लियर है यहां तक, इससे घटेगा नीचे, इससे बढ़ेगा, ठीक, ये नीचे वाला है, इससे जो है घटेगा, इससे बढ़ेगा, ठीक है। ये जो ये ओपनिंग जो ब्रैकेट है ना, इससे घटेगा और क्लोजिंग ब्रैकेट ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, इससे बढ़ेगा, ठीक है। अब कितना बढ़ेगा, एक एक पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे अभी 24 है तो 24 के बाद अगर बढ़ाऊंगा तो 26 नहीं होगा बल्कि 24 के बाद 25 हो जाएगा, ठीक, इससे बढ़ेगा, एक एक पॉइंट बढ़ेगा घटेगा और इससे बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। देखते हैं कंट्रोल और ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट दिया तो एक एक पॉइंट घट रहा है ना, और क्लोजिंग ब्रैकेट को कर रहा हूं तो एक एक पॉइंट बढ़ रहा है, देखिए 22 के बाद 24 ना आके 23 आ गया, आ गया। तो दोनों में अंतर क्लियर है आपको, पक्का क्लियर है ना, पक्का पूछेगा एग्जाम में, देख लेना, ठीक। सबको ना पूछे तो दसों को तो जरूर पूछेगा, लेकिन पक्का पूछेगा, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछे, पड़ोसी के एग्जाम में पूछ ले, लेकिन पूछना तो पक्का है, ठीक है। ये दोनों हो गया, अब आते हैं इस पे, ये क्या करता है, ये शॉर्टकट बटन गलत दिया है क्या माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है।
नहीं गलत नहीं दिया है, शिफ्ट दबाएंगे ना तो ए साइन आता है, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा तो ये साइन आएगा और फिर ये आ जाएगा, ठीक है, गलत नहीं दिया है, वो सही है दिया है, समझने का थोड़ा फर्क है, ठीक है। इससे और इससे क्या होगा, इससे भी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज बड़ा छोटा ही होगा, ठीक है, ये देखिए बड़ा हो रहा है बाय डिफॉल्ट, इससे छोटा हो रहा है। माउस को यहां पे ले जाऊंगा, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ग्रो फॉन्ट कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, ठीक, और ये कंट्रोल प्लस लेस देन, ठीक है। अब यहां पे कंट्रोल प्लस क्यों बोल रहा है ग्रेटर देन, मैं तो शिफ्ट बताया था ना, तो शिफ्ट मैं इसलिए बताया था ताकि कंट्रोल के साथ शिफ्ट अगर ग्रेटर देन वाला बटन पे क्लिक करोगे ना तो नहीं बड़ा छोटा होगा, शिफ्ट दबाओगे तभी होगा, कहे कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जिस बटन पे है उसको सिर्फ दबाओगे तो डॉट का साइन और कॉमा का साइन आएगा, ठीक है, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन टाइप करना है तो कैसे करोगे, शिफ्ट के साथ दबा करके ही लेस देन और ग्रेटर देन आता है, ठीक है, तो हमें दबाना पड़ेगा, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट इसीलिए नहीं लिखा है कि ग्रेटर देन और लेस देन प्रिंट करने के लिए शिफ्ट तो दबाना ही पड़ता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर लोगे। ये वाला दोनों भी क्लियर है, आगे चलें। ये देखिए ये कुछ फॉर्मेटिंग हो गया है ना, अच्छा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का मतलब आपको समझ में आता है, आप लोगों को नहीं आता, नहीं आता, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट का मेकअप करना, ठीक, हाँ मेकअप करना, हाँ ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रोसेस डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक। जैसे आप पहले लिखते हैं सेवा में, फिर नीचे श्रीमान, फिर सबने निवेदन, महोदय, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, ठीक है, अब एक ही लाइन में सबको लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, वो ध्यान से पढ़ेगा तब पता चलेगा वो एप्लीकेशन लिखा है, लेकिन फॉर्मेटिंग जो है एप्लीकेशन का रहेगा तो देखते समझ जाएगा कि ये एप्लीकेशन ही लिखा है, अब विषय पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि किस चीज का आवेदन है, लेकिन फॉर्मेटिंग से तो समझ में आ जाता है ना। तो जैसे फॉन्ट को बड़ा किया, छोटा किया, कलर बदल दिया, ठीक है, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो ये सब क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट को सुव्यवस्थित ढंग से व्यक्त करने का तरीका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कहलाता है, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, साइज बड़ा करना, कलर बदल देना, बैकग्राउंड कलर बदल देना, हाईलाइट करना, ये सब डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आएगा, ठीक। उतना भी बोलने का मन ना करे तो कह देना सर डॉक्यूमेंट का मेकअप करना, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग करना, दोनों एक ही बराबर है, ठीक ठीक है, फर्क इतना ही है, जहां डॉक्यूमेंट शब्द इस्तेमाल हो रहा है वहां इंसानों का इस्तेमाल होता है, ठीक। इंसानों का मेकअप क्यों होता है, ताकि ठीक ठाक दिखे, ठीक है, तो ठीक ठाक दिखाई दे डॉक्यूमेंट, इसलिए डॉक्यूमेंट का भी मेकअप किया जाता है, राइट। चलिए फॉर्मेटिंग माने मेकअप करना, ठीक। चलिए जी ये क्या है, ये देखिए लिख लेता हूं फिर बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप खूब मेकअप किए, क्रीम पाउडर पोत लिए शकल पे, बाद में समझ में आया कि क्रीम का मात्रा ज्यादा हो गया, या फिर क्रीम के बाद पाउडर लगा लिए, फिर से क्रीम लगा लीजिए, शकल और बेकार हो गया, ठीक है, तो क्या करोगे, बोलोगे ला साबुन वगैरह धोऊं, फिर से शकल, फिर से मेकअप करता हूं, ठीक। मतलब क्रीम पाउडर लगाने के बाद शकल धो लेना, और ये है, और दूसरा चीज यहां पे फॉर्मेटिंग किया आपने, और ये वाला साइन दिख रहा है, इस पे आपने क्लिक कर दिया, मतलब शकल धो दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, फॉर्मेट रीसेट हुआ, ठीक है। आपने कोई भी फॉर्मेटिंग किया, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, मैं रेड कर दिया, ठीक है, अब ये मेरे को फॉर्मेटिंग पसंद नहीं आया, ठीक है, तो सारा फॉर्मेटिंग मैं रीसेट करना चाहूंगा, ठीक है, तो रीसेट होगा कैसे, इस पे क्लिक कर दूंगा तो रीसेट हो जाएगा, ठीक, मतलब शकल धो दिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, इसका कुछ शॉर्टकट बटन होना तो चाहिए था, बट मुझे याद नहीं है, शायद होगा, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, खोज के बताऊंगा, मिलेगा तो होवे नहीं करेगा तो हम क्या बताएंगे खोज के, ठीक है, मालूम है, शॉर्टकट बटन तो खुद से भी बना सकते हैं हम लोग,
इधर से आके, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं अभी, बाद में कभी बता दूंगा, ठीक है। शॉर्टकट बटन बना सकते हो आप इधर से, ठीक है। तो ये वाला भी क्लियर हो गया, यहां पे आ जाओ। चलिए जी, मैं इसको बंद करता हूं और फिर से खोलता हूं। कुछ चीजें मैं टाइप किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको बोल्ड कर दूं, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर दूंगा तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट बटन यहां पे लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस बी, ठीक, तो बोल्ड हो जाएगा। ये वाला है इटैलिक, तिरछा करेंगे तो तिरछा हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट बटन है। ये है अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू इसका शॉर्टकट बटन है, तो अंडरलाइन भी हो गया, ये देख लो, ठीक है। इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। अंडरलाइन आ गया ना, दिख रहा है, मैं बना दिया हूं अपना विंडोज को आज, तो ये देखिए बड़ा बड़ा दिख रहा है आप, तो ये अंडरलाइन आ चुका है, ठीक है। माइनस करता हूँ विंडोज, अब ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये अंडरलाइन को और भी डिजाइन में ले सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आइए जी, ये इस पर ना क्लिक करके इसके बगल वाले साइन पे क्लिक करिए, डबल अंडरलाइन चाहिए तो इस पर क्लिक करिए, और बहुत सारा अंडरलाइन का डिजाइन है। यहाँ पे अंडरलाइन का कलर भी आप देख सकते हैं, लाल पीला हरा जो आपको चाहिए वो कलर आ जाएगा अंडरलाइन का, आप कर लेंगे। मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दुनिया भर का फॉर्मेटिंग देखिए खुल गया। इस फॉर्मेटिंग में मैं थोड़ी देर में आ जा रहा हूँ अभी। यहाँ से भी आप पूछ मिल रहा है बोल्ड इटैलिक, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये तीनों ऑप्शन को आप ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में आता है फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है, ठीक। ऑप्शन ऐसा होगा ऑनलाइन एग्जाम में, और ये तीनों ऑप्शन देगा और एक तो गलत दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको तो ये पढ़ाया ही नहीं गया था, पूछ कहां से लिया, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, पक्का आएगा, गारंटी 100 नहीं 1% गारंटी, पक्का आएगा ये, ठीक है। ठीक है, पक्का आएगा एकदम, ठीक है। आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो पड़ोसी के एग्जाम में आएगा, हो सकता है वो पड़ोसी आप ही निकल जाए, तो ये पक्का आएगा, देख लेना, ठीक है। ये जो शैडो वगैरह है ना, ये भी आ जाता है, पक्का तो नहीं पर आ जाता है, ठीक है। ये वाला क्लियर ना, अंडरलाइन वाला। चलिए, ये वाला क्या है, जिसे कॉपी पेन में गलती हो जाता है तो काट देते हैं, तो इसी में काट दिया, ठीक। काटने से अब मेरे को याद आ रहा है कि जो मैं भूला रहा था एक तो, ये देखिए लिखा, ये देखिए लिखा। अब डिलीट पर अगर मैं बैक स्पेस बटन दबाऊंगा, एक एक वर्ड डिलीट होगा, कहां से, कर्सर के लेफ्ट है या राइट है, हाँ लेफ्ट है, लेफ्ट साइड से डिलीट होगा, राइट। कंट्रोल के साथ अगर मैं बैक स्पेस बटन दबाऊंगा तो एक एक वर्ड डिलीट होगा, ये मैं उस समय भूल गया था, अब बता रहा हूं, याद आया, ठीक है। एक एक वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन दबाइए तो एक एक वर्ड कर्सर के लेफ्ट का डिलीट करेगा, ठीक है। और कर्सर से अगर राइट साइड का टेक्स्ट डिलीट करना है तो क्या करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करने का, ठीक। कंट्रोल के साथ वही अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक एक वर्ड डिलीट होगा, ठीक। ये भी समझ में आ गया, तो डिलीट समझ में आ गया ना, डिलीट और बैक स्पेस में अंतर क्या है, मालूम नहीं है, मालूम, समझ में आया नहीं आया, फिर से बताना पड़ेगा लगता है। यहां पे कर्सर मेरा है, ठीक है, तो कर्सर के लेफ्ट साइड का अगर मेरे को वर्ड या फिर टेक्स्ट डिलीट करना है तो दबाऊंगा बैक स्पेस, और कर्सर के राइट साइड का अगर मेरे को डिलीट करना है तो दबाऊंगा डिलीट बटन, ठीक। कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो एक एक वर्ड होगा, और विदाउट कंट्रोल दबाऊंगा तो एक एक कैरेक्टर होगा, वर्ड समझ रहे हैं, एक एक शब्द, ठीक। तो
तो ये मैं भूल गया था उस समय पे, यही याद कर रहा था पर याद नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि काट देना, ठीक, क्लियर है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, H2O, पानी का फॉर्मूला शायद यही है मेरे को लगता है, ठीक है। क्या चीज, नहीं H2 नंबर लॉक नहीं था ना मेरा, इसीलिए टाइप नहीं हुआ। अब या तो आप 2 को ऊपर कर लो या तो नीचे कर लो, ठीक है, विज्ञान में भाई नीचे या ऊपर एक ही जगह होता है, ठीक है। अब नीचे या फिर ऊपर ले जाना है तो क्या करूंगा, बहुत आसान है, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, और ये अगर ऊपर ले जाना है तो उसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट, मतलब ऊपर। शॉर्टकट बटन क्या है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, मतलब सुपर स्क्रिप्ट और कंट्रोल सिर्फ और उसके बाद इक्वल टू, तो सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल इक्वल टू मतलब सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू मतलब सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ पे शॉर्टकट बटन आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट नहीं बोल रहा है, ये देखिए इसमें बोल रहा है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू और इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, तो शिफ्ट के साथ अगर इक्वल टू बटन दबेगा तो क्या होगा, प्लस का ही साइन आएगा, ठीक है। लेकिन प्लस और माइनस का दो बटन होता है कीबोर्ड में, एक तो न्यूमेरिक का होता है और एक तो अल्फा न्यूमेरिक का, आपको दबाना है अल्फा न्यूमेरिक वाला, ठीक है, विंडोज आर ओ एस के एंटर, ठीक है। आपको कौन सा दबाना है, कंट्रोल और ए वाला इक्वल टू, ठीक है। इधर तो दिखाई नहीं दे रहा पर होता है कीबोर्ड में, तो आप देखे हो, ठीक है। तो न्यूमेरिक वाला नहीं दबाना है, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको, पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट बटन, पक्का एकदम लिख लो, 100% नहीं 110% गारंटी, ठीक। फर्क वही है, आपसे नहीं पूछेगा तो पड़ोसी से पूछ लेगा, और हो सकता है कि वो पड़ोसी आप ही हो जाए, ठीक। आगे चले जी, तो पक्का शॉर्टकट बटन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ए वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। थोड़ा 4-5 लाइन में लिख लेता हूं फिर कुछ बोलूंगा इसके बारे में। लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। पहला वाला क्या है, सेंटेंस कैस, ठीक है। सेंटेंस कैस का क्या मतलब है, जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं कि पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटल होगा बाकी सारे स्मॉल होंगे, डॉट का साइन लगाया, पैराग्राफ खत्म, अगला पैराग्राफ में फिर से अपर एक ठो पहला कैरेक्टर अपर होगा, राइट। तो सेंटेंस का इसका मतलब यही है। अब ये मेरा एक पैराग्राफ है, ठीक है, ध्यान दिखाई दे रहा है ना, ये यू वाला फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, बढ़ाइए देते हैं हम, का तकलीफ है, कोनो पैसा थोड़े ना लग रहा है। चलिए इसको मैं कर दिया छोटा, ठीक। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यू को ध्यान से देखना, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस का इसमें क्लिक किया, ये बड़ा हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया जादू है ना। तो सेंटेंस का इसका मतलब ये है। फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसमें क्लिक करूंगा, इसका मतलब है लोअर, जितना भी आप लिखे रहेंगे सबको लोअर का इसमें बना देगा, ठीक है। सारा इसमें लोअर का ऐसा है पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन ई जो है वो बड़ा है, कैपिटल में है, अपर कैस में है, ठीक है। सारा अपर कैस में है मतलब सारा कैपिटल है, ठीक, और सारा लोअर कैस में है मतलब सारा स्मॉल लेटर में है। अपर और लोअर में तो समझ में आता है ना अंतर, ठीक। ये देखिए, इसमें क्लिक करूंगा तो सारा लोअर हो जाएगा, और फिर इसमें क्लिक करूंगा तो अपर हो जाएगा, ठीक है। अपर कैस लोअर कैस तो लिखा है। उसके बाद आता आ जाता है कैपिटलाइज, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है कैपिटलाइज, इसका क्या मतलब है, प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक शब्द का पहला कैरेक्टर बड़ा होगा। मुझे कैसे मालूम यार, मालूम तो हमको भी नहीं था, हम यहाँ पे देखे तो हमको पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही देखा करना, याद आपको भी नहीं रहेगा, हमको भी नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपका याददाश्त तगड़ा हो तो हो जाएगा, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा, यहाँ पे जिस लिखा जो है ना, जिस स्टाइल में लिखा है उसी स्टाइल में बन जाएगा। कैपिटलाइज में क्लिक करूंगा तो ये देखिए हो गया ना प्रत्येक वर्ड का, इसमें भी करके देखते हैं,
इसमें आया, इसमें क्लिक कर दिया तो हो गया ना। अब आ जाते हैं इसमें, इसके बाद है टॉगल कैश। टॉगल कैश का क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि देख लीजिए जैसा लिखा है वैसा ही मतलब है। प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा माने छोटा होगा, बाकी सब बड़ा होगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक, क्लिक कर देता हूं, ये देख लीजिए, ये बड़ा अजीब लग रहा है जी, ये तो मजा नहीं आया ना, बड़ा अजीब दिख रहा है, ये देख लो। अच्छा नोटिस किए, इस वाले में तो प्रॉपर अप्लाई हुआ लेकिन इसमें अप्लाई नहीं हुआ, किसी एक में अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अप्लाई नहीं हुआ क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग पहले दूसरा था। इसको कर देता हूं पूरा लोअर। अब देखना, अब मैं इसमें आता हूं, अब इसको कर देता हूं टॉगल कर। ठीक है, ये देखो, ये तो पूरा अपर हो गया यार, क्या मजाक है, ये तो मजा नहीं आया मेरे को यार, ऐसे बोल दिया, ये क्या मजाक है, ये काम नहीं कर रहा है। देख भाई, काम नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा यार, मैं कुछ गलत लगता है इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ क्या? अब काम करेगा क्या? ये देखिए, ये पहला जो वर्ड का पहला था ना, सिर्फ उसी को छोटा किया, बाकी को अब ऊपर कर दिया। करना तो पूरा को चाहिए था लेकिन नहीं किया। ठीक है भाई, इसमें तो लिखा हुआ है, खैर छोड़िए, क्या कर सकते हैं, अब नहीं कर रहा है तो लगता है कंप्लेन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को मुझे। ठीक है, आगे चले, क्लियर है ये वाला, बाकी ये सब, ये दो ठो बच गया। ठीक, मैं कुछ टाइप कर लेता हूं ऐसे, इतने को अब हाइलाइटर, आप समझते हैं हाइलाइटिंग करना, हाइलाइट करना, ये देखिए यहां पे आएंगे, ये है हाइलाइट का। ठीक है, इस पे मैं आके क्लिक कर दिया, ये क्या हो गया, पूरा हाइलाइट कर दिया, या ये कह लो बैकग्राउंड बदल दिया जी। ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि बैकग्राउंड बदल दिया, मैं इसको कहूंगा कि हाइलाइट कर दिया। ठीक है, अब क्या प्रमाण है जी हाइलाइट हुआ है कि बैकग्राउंड चेंज हुआ है, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा दिखता है ना, तो अंतर तो होना चाहिए। प्रमाण क्या है इसका जी, देखते हैं क्या प्रमाण है थोड़े देर में, थोड़े देर में देखें कि अभी देख लें, ये देख लो यही प्रमाण है। प्रमाण ये है कि अगर बैकग्राउंड बदलेगा, ठीक है, तो ये देखिए सारा बैकग्राउंड बदल गया, लेकिन जहां पे आप हाईलाइट करेंगे उसका तो नहीं बदलेगा, मतलब ये पक्का हाईलाइट हुआ है। ठीक, बैकग्राउंड के ऊपर हाईलाइट चल जाएगा पर हाईलाइट के ऊपर कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक, तो ये जो है हाईलाइट करता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना किताब और कुछ मार्क करना रहता है, हाइलाइटर से मार्क कर देते हैं आप। ठीक है, तो एमएस वर्ड में यहां से आप कर लेंगे हाईलाइट। ठीक, अब उसके बाद फॉन्ट का कलर बदलना है, यहां पे आएंगे कर बदल लेंगे जो मन करे वो। ठीक है, यहां पे मोर कलर इफेक्ट है, ये देखिए, इतने तो कलर का मुझे नाम ही नहीं याद है, ये स्टैंडर्ड है। कस्टमाइज में करेंगे तो यहां आ जाएगा, क्या बात है, ये देख लो इतना आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा कलर है। ठीक है, ये देखिए, इसमें क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमाइज आप कुछ कलर वगैरह आप बना सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो ये वाला तो समझ में आ गया होगा, एक कलर आगे चलें। ये छोटा सा बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या है इसका पीछे का राज। ठीक, तो इसके पीछे का राज ये है कि देख लो आप। ठीक, इसको मैं कभी कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, ये जो डायलॉग बॉक्स खुल रहा है ना, ये है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। ठीक, इस डायलॉग बॉक्स को खोलने का शॉर्टकट बटन है कुछ। बटन क्या है, दो ठो है, एक ठो तो माइक्रोसॉफ्ट खुद बता रहा है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी दबाया आ गया। ठीक,
दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक, दोनों शॉर्टकट बटन आपका काम करेगा, ठीक, शॉर्टकट बटन याद हो गया, पक्का गारंटी पूछेगा शॉर्टकट बटन कंट्रोल डी और कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक, ये फॉन्ट को ओपन करने का शॉर्टकट बटन है, ठीक, पक्का याद रखना, लिख के रख लेना, पक्का पूछेगा, ठीक है। चलो इसको खोलते हैं अब, ये तो पूरा फॉन्ट का वो है, यहां से जो करते थे ना वो है, ये क्या है फॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, ठीक है, ये क्या है साइज, ठीक है, ये क्या है कलर, ये क्या है अंडरलाइन का स्टाइल, ठीक है, कैसा होना चाहिए अंडरलाइन, क्या बात है, तो बड़ा डिजाइन में दिया है यार, दिया है ना। अब इन सब को, ये है फॉन्ट का इफेक्ट, ठीक, स्टाइल अलग है, इफेक्ट अलग है, ठीक, आपसे पूछा जाएगा ऑप्शनल क्वेश्चन एग्जाम में, फॉन्ट का इफेक्ट नहीं है या फिर इसमें से फॉन्ट का इफेक्ट कौन सा है, पक्का गारंटी के साथ पूछेगा, इसमें से कोई एक दे देगा, इसलिए देख लेना आप एक बार, ठीक, गारंटी बोल दे रहा हूं, पक्का पूछेगा, या इसको पूछ लेगा, या इसको पूछ लेगा, या इसको पूछ लेगा, इसको तो पूछा था, इसको भी पूछा था, ठीक है, तो पक्का बता रहा हूं, पूछेगा, देख लेना, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है, मतलब यहां पे आप देख लो, यहां पे प्रीव्यू दे रहा है, ठीक, ये देख लो डबल लिफ्ट राइट, यहां पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को काटना है तो क्या करोगे, यहां पे क्लिक करके काट लोगे, ठीक, समझ में आ गया इसको देख के, या मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, मेरे ऊपर इतना जुर्म करोगे यार। लो, ठीक, सेलेक्ट किया हूं मैं उसको, ठीक, इस पे क्लिक किया, ठीक, अब इसको कर देता हूं ए वाला, ठीक, काट दिया ना, लो, कट गया ऊपर वाला, नीचे वाला भी वैसे ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। साइडो करेंगे, ये देख लीजिए आउटलाइन कुछ ऐसा है, ऐसे करके ओके कर दिया है, ठीक है, अब टाइप करेंगे तो वैसे ही टाइप होगा, कुछ फंट वंट बदल दें आप, कुछ भी फंट वंट बदल लो, टाइप वैसे होगा, ये देखिए अजीब तरीके से बेकार टाइप हो रहा है, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि एमएस ऑफिस में यही फंट सेट होता है और हम परेशान हो जाते हैं फंट बदल बदल के, कि फंट तो बदल रहा हूं लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, तो आप देख लेना फंट में आके कि ये सिलेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इसको हटा दूं, इसमें क्लिक कर दूं तो ऐसा होगा, ठीक है, इसमें क्लिक कर दूं तो ऐसा दिखेगा, इसमें क्लिक कर दूं तो ऐसा दिखेगा, इसमें कर दूं तो ऐसा दिखेगा, इसमें कर दूं तो ऐसा, इसमें तो और मुझे अब लगता नहीं कि बताने का जरूरत है, एक चीज बता दे रहा हूं मैं आपको, ये तो ऐसे ही बेकार टाइप का भी हो रहा है, कंट्रोल डी, आउटलाइन हटा दूं, ले लीजिए, फॉन्ट को मैं कर देता हूं हिंदी, ठीक, अब ये देखिए ऐसा टाइप हो रहा है, मैं अपना नाम टाइप कर दूं एस, ओ हिंदी ये चल रहा है ना, एम आधा एन नॉट, ठीक, टाइप कर दिया, ठीक है, अब इसी यही कैप लॉक बंद चालू करूंगा, ठीक, अब यही अपना मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसा लिखाएगा, ऐसा लिखाएगा, ऐसा लिखाएगा, ऐसा लिखाएगा, ऐसा लिखा गया, ठीक, ये तो अजीब तरीका लिखा रहा है, ठीक है, कैप लॉक चालू करके लिख रहा हूं तो ऐसा लिखा रहा है, ठीक है, तो कैप लॉक बंद कर दिया मैं, ठीक, अब तो सही से लिखाना चाहिए ना, लेकिन कई बार होता है ऐसा कि यहां से हो जाता है ऑल कैप, स्मॉल कैप नहीं, ऑल कैप पे क्लिक करता हूं, स्मॉल कैप का मतलब बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है, ऑल कैप पे यहां पे क्लिक हो जाता है, हो जाता है यहां पे ओके, और सब वैसे ही लिखाता है, ठीक है, कैप लॉक को टाइप कर, कैप लॉक ऑन रहेगा, ठीक है, और फिर आप टाइप करोगे तो ऐसा ही लिखाएगा आधा आधा पूरा, ठीक है, लेकिन कैप लॉक बंद है और फिर तो आधा आधा नहीं लिखाना चाहिए ना, लेकिन लिखाता है, ठीक, तो ऐसा अगर समस्या आया तो आप क्या करोगे,
यहां वाला ऑप्शन चेक कर लेना, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनके पसीने छूट जाते हैं फिर भी बनता नहीं है, ठीक। तो मुझे कई बार ऐसा देखने को मिला है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक। तो ये आप देख लोगे कि कैप लॉक चालू नहीं है फिर भी आधा आधा लिखा रहा है कैरेक्टर, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, ठीक। दो चार बार ऐसा दिक्कत आएगा तो खुदे समझ में आ जाएगा। ऐसे आप प्रैक्टिकल जितना बता रहा हूँ सबको कर लेना, नहीं करना तो भूल जाओगे, ठीक है, और बाद में हो सकता है दिक्कत आपको आ जाए, ठीक। मैं कर लिया अंग्रेजी में, ये कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट मैं कर लेता हूँ, आता हूँ इसमें और आ जाता हूँ स्मॉल कैप में, ये देख लो ये छोटा छोटा दिख गया ना, अब पहले बड़ा था, तो स्मॉल कैप का मतलब वही है, ठीक है। तो ए वाला सेक्शन फ्रंट वाला तो पूरा क्लियर है ना, आगे चलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इस वाले सेक्शन में आ जाए पैराग्राफ में, ठीक है जी, आ जाते हैं। आप कॉपी पेन में कुछ लिस्टिंग वगैरह बनाते हैं ना, तो बुलेट्स नंबर वगैरह या नंबरिंग करते हैं आप लोग, ठीक, करते हैं ना, तो इसका मतलब वही है, ठीक। कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर मारा हूँ, फिर मारा एंटर, फिर मारा एंटर, फिर मारा एंटर, अब नहीं मारा हूँ, ठीक है। अब मैं मारा तो था तो एंटर एंटर करके लिस्ट बना दिया, नाम लिख दिया लोगों का, ठीक है। जैसे लिस्ट बना रहा हूँ, लिख देता हूँ और कुछ कुछ नाम बताओ यार, कुछ कुछ नाम बताओ, नहीं बताना, नहीं बताना तो मत बताओ, हमको भी दिक्कत नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूं कि इसको नंबरिंग कर दो, बुलेट्स नंबर कर दो, ठीक है। इसको कहा जाता है बुलेट्स नंबर, जिस पे क्लिक करूंगा ये नंबरिंग में आ जाएगा। लेकिन ये बुलेट्स नंबर किस में आता है, जो आप एंटर एंटर करके लाइन बदलोगे माने पैराग्राफ बदलोगे तो उसमें आता है, ठीक। आप जो चाहो सिंबल यहां से आ जाएगा, न्यू बुलेट्स नंबर में जाओगे, नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें डिफाइन न्यू बुलेट्स, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा, लेफ्ट में कितना होना चाहिए, ये देखिए, ये देखिए यार है ना स्पेस, तो ये है इसका मतलब, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। सिंबल पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वाला आ जाए, बड़ा डिजाइन में दिख रहा है, क्लिक किया वो सिंबल आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं था लेकिन मैं सिंबल से उसको ले लाया, ठीक है। तो आप सिंबल वाला चाहो तो कैरेक्टर ले सकते हो बुलेट्स में, इसमें से कोई, ठीक है। आप क्या करना, इसमें क्लिक करके ले आना, ये वाला आ गया ना, फिर कहना कि देखो जी तुम बहुत ज्ञानी हो तो इस तरह का सिंबल ले लाओ बुलेट्स में, ठीक है। सामने वाले का दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन पढ़ा होगा तो ले लाएगा इधर से, ठीक है। तो आप ले लेना किसी लोगों का परीक्षा, फिर उनको सिद्ध कर देना कि हम तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, ठीक है। लेकिन पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद ही करना, ठीक है, क्योंकि आधा ज्ञान खुद पे ही भारी पड़ जाता है, ठीक। हाँ, अब चाहो, मैं चाहता हूं कि इस बुलेट्स नंबर में मेरा फोटो हो जाए यार, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हो जाना चाहिए। पिक्चर्स पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा फोटो बाई डिफॉल्ट जो है एमएस वर्ड आपको दे रहा है, ठीक है, ये देखिए दे रहा है ना। मैं चाहता हूँ ये कुछ मेरे को पसंद नहीं है, तो कर लूंगा इम्पोर्ट और माई कंप्यूटर खुल गया, यहाँ से मैं ले लूंगा इस फूल को, इस फूल को ही मान लेता हूँ कि मेरा फोटो है, क्यों, और फिर इस पे कर देता हूँ ओके, ठीक, कर दिया ओके, यहाँ पे मेरा फोटो आ गया ना, हाँ दिख रहा है फोटो आ गया है, ठीक है। इसको बड़ा करोगे ना यार तो और ये फोटो ऐसा बढ़िया दिखेगा, दिख रहा है ना, हाँ। विंडोज माइनस 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 हो गया, ठीक। तो यहां से आप ये बुलेट्स नंबर ले लाओगे, ठीक है। फिर से आता हूं जी इसमें, ये क्लियर हो गया ना कि बाकी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर इसके बाद चलते हैं मल्टी लेवल बुलेट्स नंबर में, ठीक। जैसे
बुलेट्स नंबर पे मैं क्लिक किया, नहीं यार ये मुझे फोटो पसंद नहीं है, ये इसको ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ DOCO डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग सही है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का। फिर लिख लेता हूँ PAGE पेज सेटअप, ठीक, ये लिख लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कह देने से तो नहीं होगा ना, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारा आता है, फॉन्ट बदलना, फॉन्ट का साइज बढ़ाना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब आता है ना। कैसे लाएंगे? बहुत आसान, इंटर दबाया, दूसरा आ गया ना। अब यहाँ पे दबाऊंगा मैं टैब बटन, तो ये एक इंडेंटेशन चला जाएगा राइट में, और फिर यहाँ से बोल दूंगा BOLD बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक, सही है स्पेलिंग की नहीं है, नहीं रहेगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। इटैलिक के बाद अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन के अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ और लिखूँ, ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, कुछ और, ठीक, लिखा गया, ठीक है। तो मल्टी लेवल बुलेट्स नंबर ऐसे किया जाता है, ठीक है, ठीक। लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो कैसे करोगे, ऐसे कर लेना, ठीक, समझ में आ रहा है मल्टी लेवल। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जी अंडरलाइन क्या के अंदर तो इतना ही है, ठीक है, एंटर मारा, बैक स्पेस मारा, शिफ्ट टैब मारा तो चला गया मैं पीछे, बैक गया कैसे, शिफ्ट टैब दबा के, ठीक। अब इसमें मैं क्या कर दूंगा, सब स्क्रिप्ट, फिर नीचे सुपर स्क्रिप्ट, ठीक, लिख दिया ऐसा। अब फिर से मेरे को पीछे आना है, ठीक है, तो एंटर मारूंगा, शिफ्ट टैब से मैं फिर से पीछे चला आया, ठीक। अब यहां पे भी कुछ भी लिख के मैं बना लूंगा, टैब मारूंगा ये आ जाएगा, फिर एंटर टैब मारूंगा ये आ जाएगा, फिर एंटर टैब मारूंगा ये आ जाएगा, फिर एंटर टैब मारूंगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्टिंग बनाना आ गया, इसमें कोई दिक्कत, आगे चले, क्योंकि बाद में आप चाहो तो रिकॉर्डिंग देख के भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आगे चलो, ठीक है जी, और आगे चलते हैं। मैं क्या चाह रहा हूं कि नंबरिंग के जगह, बुलेट्स नंबर के जगह पे 1, 2, 3, 4 आ जाए, ये सब आ जाए, ठीक, तो ये भी आप ला सकते हो ऐसे, ठीक। अब मल्टी लेवल बुलेट्स नंबर जैसे लाए थे ना, मल्टी लेवल वैसे ही इसको भी कर सकते हो, जैसे इसके अंदर मैं चाहूं तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है, फिर टैब मारा तो ऐसे आ गया, रोमन आ गया, ठीक है, फिर इंटर मारा, शिफ्ट टैब मारा तो पीछे आ गया, ऐसे, एंटर, शिफ्ट टैब, ऐसे, ठीक है। तो ये नंबरिंग में तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए मेरे को लगता है, ऐसा नंबरिंग में दिक्कत नहीं आएगा ना, पक्का प्रैक्टिकल जरूर कर लेना, क्योंकि गाढ़ा हुआ पैसा किताब का ज्ञान कभी काम नहीं आता, ठीक, सच में काम नहीं आएगा। एक और जोड़ लो, आज के जमाने में विदेश में रखा हुआ पैसा वो भी काम नहीं आता, नेताओं का पैसा सारा विदेश में ही रहता है, जिंदगी भर हार्ट अटैक से आखिरी में मर जाते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन का आ जाता है, नेताओं का नहीं आता काला धन, वो उधर ही रह जाता है, क्योंकि दूसरा पार्टनर धोखा दे देता है, ठीक है। आगे चलें, ये वाला जो है वही मल्टी लेवल बुलेट्स का उदाहरण है, देखिए, ठीक है, एंटर करके टैप मारेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें दिक्कत मेरे को नहीं लगता कि आएगा, आएगा तो पूछ लेना। ये वाला तीनों हो गया, इसमें आ जाएं, ठीक है, आ जाते हैं जी इसमें, येलो कुछ लिख लेता हूं ऐसे, कुछ भी लिख, कहां आ गया मैं, ऐसे लिख लेता हूं कुछ भी। ये वाला जो है, ठीक है, इसका मतलब है अलाइनमेंट लेफ्ट, आप कुछ भी लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, राइट,
तो ये है अलाइनमेंट लेफ्ट, आपका लिखावट लेफ्ट से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो ये है अलाइनमेंट लेफ्ट, इसका शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस एल, गारंटी के साथ बोल रहा हूं आएगा एग्जाम में, तो आप याद रखना कंट्रोल एल मतलब अलाइनमेंट लेफ्ट, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं सेंटर से लिखना शुरुआत करूं, तो ए वाला है सेंटर का, ठीक, इसका शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई दबा दिया सेंटर में आ गया, कंट्रोल एल दबा दीजिए लेफ्ट चला गया, ई दबाया तो ये देखिए ए वाला हाईलाइट हो गया, यहां कर्सर ले जाऊंगा तो यहां पे भी कंट्रोल ई देखिए बता रहा है, पक्का पूछेगा देख लेना, आपसे नहीं पूछा तो पड़ोसियों से पूछ लेगा, ठीक है, याद रखना। हो सकता है कि वाइवा में भी आपसे पूछ ले, ठीक है, इस सब को वाइवा में भी पूछ ले, अलाइनमेंट का तो वाइवा में हो सकता है कि पूछ ले, ज्यादा उम्मीद है कि पूछे। अब इंटरव्यूअर जो वाइवा लेगा वो एकदम ही बेवकूफ होगा तो नहीं पूछेगा, लेकिन बेवकूफ लोग वाइवा लेते भी नहीं है, ठीक है, वो लोग वाइवा लेते भी नहीं है। अब ए वाला क्या है, ये है अलाइनमेंट राइट, ठीक है, अगर आप राइट साइड से लिखना चाहते हैं तो अलाइनमेंट राइट कर लीजिए, शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस आर, ठीक, तो कंट्रोल आर होगा ऑप्शन में तो बोल देना कि ये अलाइनमेंट राइट का है, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अलाइनमेंट राइट होता है कंट्रोल आर से सिर्फ और सिर्फ वर्ड में, एक्सेल में नहीं, तो क्वेश्चन में देखना वर्ड का है या एक्सेल का, एक्सेल में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, एक्सेल में फिलिंग कर किया जाता है राइट साइड से, वो मैं सतयुग में पढ़ाऊंगा, अभी कलयुग चल रहा है, ठीक है, तो एक्सेल आएगा तो, ठीक। इसका शॉर्टकट बटन मालूम हो गया कंट्रोल ई, इसका हो गया कंट्रोल आर, इसका हो गया कंट्रोल एल जो दिखाई दे रहा है सामने, ठीक। इसका मैं कंट्रोल आर कर दिया था, ये देख लीजिए आ रहा है राइट से, चलिए अब आता है ए वाला, इसका मतलब है जस्टिफाई, जस्टिफाई माने कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल ए दबाता हूं मैं, पहले लेफ्ट कर लेता हूं, ठीक है, फिर से मैं कुछ लिखना शुरू करता हूं और ऐसे कुछ लिख दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिख दिया कुछ, ये देखिए। अब इस जस्टिफाई का मतलब क्या है, जैसा आइकन आपको जस्टिफाई का दिखाई दे रहा है काम बिल्कुल वैसा ही है, देखिए इधर का अलाइनमेंट ए वाला यहां तक खत्म हुआ, ये यहीं तक हो गया, ये यहां तक गया, ये यहां तक, यहां तक, यहां तक हुआ है ना, इधर का तो बराबर है पर इधर का नहीं है, तो मैं क्या चाहता हूं कि पूरा बराबर हो, ठीक, क्या करूंगा कंट्रोल प्लस जे, ठीक, कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई, यहां पे क्लिक करूंगा तो बराबर हो जाएगा। अब ये दूर दूर हो गया, कहे कि ये एक पैराग्राफ एक ही लाइन का था और कम था, ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक। तो कंट्रोल जे का मतलब समझ लिए, इसका मतलब समझ में आ गया आपको, ये जस्टिफाई है, ठीक है, तो ये ए वाला और ए वाला क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा दिक्कत, आगे चलें, चले, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक, ज्यादा नहीं आधा घंटा और झेल लेते हैं, ठीक है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है ए वाला, ठीक है, ध्यान से देखना, तो यहां पे बोल रहा है डिक्रीज इंडेंटेशन, ठीक, यहां पे है इंक्रीज इंडेंटेशन, ठीक। अब इंडेंटेशन का क्या मतलब है, इंडेंटेशन को समझने से पहले कुछ प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा, बगैर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बेकार लगता है, राइट। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर वन, ये क्या है ऑप्शनल क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा लिख दिया यहाँ पे, ऑल अटेम्प्ट पता नहीं क्या क्या होता है ना, कि ऑप्शनल क्वेश्चन ये है, ये है, ठीक है, एंटर मारा, थोड़ा सा मेरे को पीछे जाना था, ठीक है, मतलब थोड़ा राइट में जाना है, स्पेस देके मैं आ जाऊंगा यहाँ, लेकिन स्पेस देके आना गलत तरीका है, आप टैब मार के आ जाना, टैब मारा, एक टैब मारा, ठीक है, तो तीन चार स्पेस आगे आ गया। अब टैब मारने से कितना स्पेस आगे जाना चाहिए, कितना स्पेस, ठीक है, एक स्पेस जाएगा, दो तीन स्पेस आगे जाएगा, ये आप एमएस वर्ड से सेट कर सकते हो, ठीक, कि टैब मारने पे कितना स्पेस आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो
आगे किया, अब यहां पे लिख दिया ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, आर आई जी एच टी राइट अलाइन, क्या होता है अलाइनमेंट का स्पेलिंग मुझे मालूम नहीं, यहां पे देखते हैं, यही था ना अलाइनमेंट का, ठीक है, यही तो है, ठीक है। अब राइट अलाइन का शॉर्टकट की, ठीक है, अब यहां पे मैं आऊंगा तो एंटर मारा तो फिर यही आ गया मैं, ठीक है। अब फिर से मैं टैब मारूंगा, फिर से यहां पे आऊंगा और यहां पे ऑप्शन दे दूंगा एक, ये ऑप्शन है, फिर स्पेस दबाया दूसरा, ठीक है, फिर स्पेस दबाया तीसरा ऑप्शन, ठीक है, चौथा किया ओपीटी आई हो जाए, ठीक है। ये जो एक दो तीन चार में लिखा हो ना, ये होगा आपका शॉर्टकट बटन, ठीक, कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। फिर से मैं एंटर मारूंगा, ठीक है, तो मेरा कर्सर यहां पे पहुंच गया, फिर मैं टैप मारूंगा तो फिर आऊंगा इसके सिधाई में और फिर यहां लिखूंगा दो और फिर लिख दूंगा एल ई एफ टी, लेफ्ट अलाइन के बारे में बता दो जी, ठीक है। अब यहां पे एंटर मारूंगा और फिर टैप मार के एक दो तीन चार यही वाला ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन लिखूंगा ना मैं, ठीक, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डिलीट कर लेता हूं पहले मैं, ठीक है, यहां तक लिखने के बाद एंटर मार रहा हूं ना तो फिर से यहां आ जाता है मेरा कर्सर, ठीक है। अब मेरे को टैब मार के यहां पे आना पड़ता है, तो क्या मैं बार बार टैब बटन दबाऊंगा, नहीं जी, बार बार तो मैं टैब बटन दबा नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इंडेंटेशन बढ़ा दूंगा। कौन सा इंडेंटेशन बढ़ाऊंगा, ये देखिए, एंटर किया और इंक्रीज इंडेंटेशन, इसको दबाऊंगा तो मैं यहां पे आ गया, ठीक। अब यहां पे कुछ लिखूंगा, फिर एंटर दबाऊंगा तो यहीं रह जाऊंगा, फिर एंटर दबाऊंगा तो यहीं रह जाऊंगा, फिर एक इंडेंटेशन बढ़ा दिया, फिर यहां पे दबाऊंगा तो एंटर दबा के लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये है इंडेंटेशन, आप चाहो तो ऐसे इंडेंटेशन करके लिख सकते हो, ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आया, ये आया। अब इंटर मारा, एक इंडेंटेशन पीछे जाना चाहता हूं मैं, बैक स्पेस मारा सीधा आ गया नीचे, लेकिन मैं तो जाना नहीं चाहता, तो एंटर मारूंगा, यहां पे डिक्रीज इंडेंटेशन, क्लिक किया, आ गया एक इंडेंटेशन बैक, ठीक, फिर ये देखिए लिख सकता हूं, ठीक है। फिर मैं चाहता हूं कि अब इस वाले इंडेंट में यहां पे आ जाऊं नीचे सिधाई में, ठीक, क्या करूंगा, इसी को क्लिक करूंगा और आ जाऊंगा यहां पे, अब क्वेश्चन नंबर टू लिखूंगा, जो लिखना होगा लिख दूंगा। तो ये वाला समझ में आया या नहीं आया, आया बता, फिर से बता, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, यहीं से मैं लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पहला के अंदर कुछ क्वेश्चन है, तो मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर है ना, तो मैं थोड़ा सा आगे से लिखना शुरू करूंगा तो पता चलेगा, ठीक, तो इंडेंटेशन यहां से बढ़ा दूंगा, ठीक। इंडेंटेशन बढ़ाने का शॉर्टकट बटन है कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मैंगो, कंट्रोल दबाऊंगा, एम दबाऊंगा तो कंट्रोल एम से बढ़ क्यों नहीं रहा है, कंट्रोल एम, या मुझे नहीं याद आ रहा है, कंट्रोल एम ही शायद था, कुछ तो था, मैं दूसरा एमएस ऑफिस खोलता हूं तब कंट्रोल एम शायद काम करे, क्योंकि कंट्रोल एम था इंडेंटेशन का ही, कंट्रोल एम दबाया नहीं जा रहा यार, या तो था कंट्रोल एम ही मेरे में काम नहीं कर रहा है, या तो कुछ और होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक, ठीक है। जैसे इसके अंदर मेरे को लिखना है ना, तो यहां पे देखिए आया, यहां पे क्लिक किया और फिर यहां से लिखना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक, एंटर मारूंगा, मेरा कर्सर यहीं रहेगा, यहां नहीं जाएगा, ठीक है, फिर कुछ करो लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक, एंटर दबाऊंगा, फिर से लिखना शुरू कर दूंगा कुछ, ठीक है, एंटर दबाया। अब मैं चाह रहा हूं ना कि ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन के अंदर भी कुछ और टॉपिक हैं, ठीक है, तो
तो इसके अंदर लिखना है मेरे को, तो यहाँ पे आके इसको दबाऊंगा और फिर यहाँ से लिखना शुरुआत कर दूंगा मैं ऐसा। ठीक, क्लियर है ये वाला? नहीं है, पीछे जाना है मेरे को, इस इंडेंटेशन में आना है, तो डिक्रीज कर दूंगा इंडेंटेशन ऐसे। ठीक है, इस लाइन पे आना है मेरे को यहाँ पे, तो फिर से मैं इसको कर दूंगा ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है? नहीं हुआ ये वाला? हुआ, जैसे मल्टी लेवल बुलेट नंबर था ना, ये कुछ उसी तरह का है। ठीक है, रियल टाइम पे आप अगर काम करेंगे और काम मिलता है इस तरह का कुछ, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम जल्दी जल्दी में तुरंत अभी आए हैं, तो असाइनमेंट कुछ उस तरह का मैं बना के रखा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मिला नहीं समय कि मैं जल्दी जल्दी कुछ तैयार करूँ उस तरह का, यूजेस की दिखा पाऊँ। ठीक है, बट इसका साइंस यही है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया, आगे चलें। ये क्या है जी? ये सॉर्ट करने को बोल रहा है कुछ, क्लिक किया इस पे कर देता हूं ऐसे। ठीक है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्टिंग वगैरह करेगा, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, सॉर्ट बाई पैराग्राफ या फिर थीम। देन इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं ये वाला क्या है, इसको मैं यूज किया नहीं। ठीक है, अब क्या करूं मैं, ये तो लाइट ही कट गया, आधा घंटा हो गया। अब मैं क्या करूं, थोड़े देर वेट कर लेते हैं, 10 मिनट बैठ जाइए, कि बैठने का इच्छा ही नहीं है अब, इच्छा नहीं है। इसको छोड़ दे रहा हूं मैं, इसको जल्दी से बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि और भी इधर बताने का है। ठीक है, एंटर मारा, एंटर मारा, ठीक है, और यहां पे एंटर ना मार के मैं कुछ लिख दे रहा हूं। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा लिख दिया। ठीक है, अब कहां पे मैं था, यहां पे था ना, ये क्या है, पैराग्राफ का सिंबल है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो शो होगा, क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक रहता है ना कभी जभी, तो जहां जहां एंटर मारोगे, मतलब जहां जहां आप पैराग्राफ चेंज किए रहेंगे, ठीक है, एंटर मार के, वहां वहां पे ये सिंबल आपका लग जाएगा। ठीक, तो आपको जैसे पता लगाना है ना कि कहां कहां पे मैं पैराग्राफ चेंज किया हूं, कहां पे नहीं किया हूं। ठीक है, जैसे यहां पे तो दोनों लाइन के बीच दो लाइन है यहां पे, लेकिन पैराग्राफ तो चेंज नहीं है। ठीक है, यहां पे भी सिंबल लगता अगर चेंज होता पैराग्राफ तो, लेकिन यहां पे नहीं लगा, यहां पे लगा, मतलब ये दोनों एक ही पैराग्राफ है, पता चल गया हमें, ये और ये दोनों अलग दो पैराग्राफ हैं और ये दोनों एक ही पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का सिंबल है, इस पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां आप एंटर किए रहेंगे वहां पैराग्राफ का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अनक्लिक कर देता हूं इस पे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका लाइन स्पेस कितना होना चाहिए। ठीक है, दो लाइन के बीच में स्पेस कितना होगा। ठीक, यहां पे स्पेस इतना दिखाई दे रहा है, यहां पे आया अभी 1.15 है, इसमें क्लिक करूंगा तो और ये देखिए आपस में चिपक गया, इस पे करूंगा तो और दूर दूर हो जाएगा, इसमें करूंगा तो और दूर दूर हो जाएगा, ये एक एक लाइन के बीच में स्पेस हो रहा है। मैं एक एक लाइन के बीच का स्पेस अभी बता रहा हूं, पैराग्राफ का नहीं। ठीक, ये दोनों लाइन दो पैराग्राफ है अलग अलग, क्योंकि एंटर दबा के किया था ना लाइन चेंज में। ठीक है, तो ये लाइन का आप स्पेसिंग बदल देंगे यहां से। ठीक है, उसके बाद लाइन ऑप्शन में जाएंगे तो और ज्यादा लाइन है, अलाइनमेंट लेफ्ट है। ठीक है, अच्छा एक चीज कि आप, हो सकता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा अलाइनमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे टोटल अलाइनमेंट इतना ही होता है टोटल। ठीक है, अलाइनमेंट लिखा है और यहां पे ये देखिए, ठीक है, सेंटर में यहां पे देखिए दिखने लगा, इस पे क्लिक कर देता हूं तो इधर आ गया। ठीक है, जस्टिफाई में ऐसा हो गया। ठीक है, तो आप हो ये पूछा जाए ऑप्शनल क्वेश्चन में आता हो, आप इसको देख लेना। ठीक है, इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन तो हमने दिया नहीं है। ठीक है, अब यहां पे है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। ठीक है, आफ्टर मतलब बिफोर मतलब क्या, हिंदी क्या होगा इसका बताओ यार कोई, मेरे को मालूम नहीं है इसका हिंदी क्या होता है। ठीक है, मैं पता कैसे करूं, यहां पे देख रहा हूं अब मैं। ठीक है,
ये देखिए यहां पे आप देखिएगा, ठीक है, ये मेरा मेन लाइन है जहां पे मेरा यहां पे कर्सर है, ठीक है। अगर मैं आफ्टर करूंगा, ठीक है, तो बाद वाला को देखना ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखिए बढ़ रहा है ना, नीचे वाला जो है आफ्टर को बढ़ा रहा हूं तो बढ़ रहा है, ठीक। हाँ, ये नीचे का स्पेस जो है बढ़ रहा है, ठीक। और बिफोर वाला करूं तो लाइन के पहले का, मतलब बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, ठीक। अब बिफोर वाला जो है इसको कम करूं, बढ़ा रहा हूं, तो ये देखिए ऊपर वाला लाइन बढ़ रहा है ना। तो ऐसे आप लाइन स्पेसिंग को जो है बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, ये देखिए, ठीक, यहां पे जो दिखाई दे रहा है ये है। अब यहां पे लिखा है डोंट एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द लाइन सेम स्टाइल। ये कहना ये चाह रहा है जैसे इन दोनों के बीच में मैं पैराग्राफ नहीं चेंज किया हूं, पर इन दोनों के बीच में मैं पैराग्राफ चेंज किया हूं, ठीक है। तो क्या पैराग्राफ चेंज करें तो दूरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो कानून तो ये कहता है, नियम तो ये कहता है कि जी पैराग्राफ चेंज करें तो एक लाइन का स्पेस दे दें, ठीक है। तो ये स्पेस ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दे दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना हो, तो क्या यहां पे आइए, ये देखिए यहां पे लिखा है ना रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ एड स्पेस, ये शॉर्टकट है, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा, यहां पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो पैराग्राफ में स्पेस जो है ऐड नहीं करेगा, ठीक, कर दिया क्लिक और कर देता हूं ओके। ये पैराग्राफ रिमूव हो गया, ये पैराग्राफ में लाइन स्पेस रिमूव होगा। अब यहां पे मैं पैराग्राफ बदल रहा हूं, ठीक है, यहां पे आ रहा है, ठीक। लेकिन स्पेस को यहां से मैं अगर रिमूव कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, यहां पे नहीं, मैं यहां पे करूंगा तो गायब होगा। ये देखिए रिमूव किया तो ये गायब हो गया। अब यहां पे मैं पहले स्पेस रिमूव किया था ना, तो अब एंटर दबा के अब टाइप करूंगा तो ये स्पेस रिमूव हो चुका है, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ये लाइन ऑप्शन, इसमें कछु दिक्कत है नहीं है? इसको भी बता दूं यार, ये बहुत ज्यादा तो वो नहीं है, और इसको आप खुद एक बार करके देखना ना एक्सपेरिमेंट, दिक्कत आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा आप समय नहीं लगाना चाह रहा हूं, ठीक है। एक चीज मैं भूल चुका था बताना, वो अब याद आया तो बता दे रहा हूं, ठीक है। ये जो डिफॉल्ट का बटन है ना, इसका क्या मतलब है, टैब बटन के बाद बता देता हूं, ठीक है। इस पे क्लिक किया मैं, जो पहले मैं बोल रहा था ना कि टैब बटन अगर हम दबाते हैं तो कितना स्पेस होना चाहिए, वो आप यहां से निर्धारित कर लोगे। कैसे, ये देख लो जी, डिफॉल्ट टैब स्पेस कितना होता है, इतना, ठीक है। इसको बढ़ा दूं मैं, ठीक है, अब कर दूं ओके, यहां पे हूं, टैब मारा, टैब मारा, ये देखिए इतना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब वही कम कर दूं मैं तो क्या होगा, दिखा देता हूं जी कम करके, ये देखिए टैब ऑप्शन है, इसको मैं कम कर दे रहा हूं, ठीक है, ओके किया, ये पूरा कम हो गया, हो गया। अगर वही चीज मैं, ये देखिए एंटर किया मैं, ठीक है, अब मैं आके कर देता हूं, कहां गया टैब, ये है, ठीक, कम कर दे। तो ये सेटिंग, ये टैब का सेटिंग है, ठीक है, बाकी ये अलाइनमेंट वगैरह में है। ये देखिए खत्म हो गया ना पूरा, तो ये टैब का सेटिंग्स ही है पूरा, जो रहेगा सो रहेगा, ठीक है। ये पैराग्राफ चेंज किया, फिर एंटर मारा, ये देखिए स्पेस अब नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं कुछ बताना, डिफॉल्ट वाला बताना चाह रहा था ना, डिफॉल्ट का क्या मतलब है देख लेते हैं थोड़ा सा। आ जाइए फॉन्ट वाले में, यहां पे भी एक थो डिफॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इस डिफॉल्ट का मतलब यह है कि आप कुछ यहां पे सेटिंग करिए, ठीक, और सेटिंग करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि वो सेटिंग सेव हो जाए हमेशा के लिए, ठीक, बाय डिफॉल्ट वो सेट हो जाए, तो क्या करेंगे, डिफॉल्ट कर देंगे। जैसे मैं एमएस ऑफिस को बंद करता हूं, ठीक है,
यहां पे आता हूं, अब खोलते के साथ 11 आ गया फॉन्ट, मैं चाहता हूं कि खोलते के साथ 14 फॉन्ट आ जाए और फिर यहां पे जो है फॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन आ जाए, ठीक है, ये फॉन्ट हो। यहां पे भी मैं चाहूं तो कुछ सेट कर सकता हूं, ठीक है, ऐसा करेंगे तो यहां पे देखिए सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूं कि एमएस वर्ड खोलूं और इतना ही आए, ठीक, डिफॉल्ट पे क्लिक कर दूंगा। बोल रहा है ये क्या तुम ये करना चाह रहे हो, यही सब, मैं बोलता हूं हां जी कर दो, यस कर दिया। अब 14 फॉन्ट साइज में कोई मैं डिफॉल्ट सेट किया हूं, क्लिक करूंगा, ये देखिए अब एंटर मारूंगा, ये आ जाएगा 14, ठीक। तो जो डिफॉल्ट बटन यहां पे था सबका मतलब वही है, ठीक, ये डिफॉल्ट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। इसमें आप एक्सपेरिमेंट करना, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है, ये वाला तो बहुत ज़्यादा जो है नहीं आता काम में, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से जो है, बहुत ज़्यादा बड़ा बात तो ज़रूरत होता है इंसान का, ठीक है, तो जैसा ज़रूरत है वैसा हमें स्टडी करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये ज़रूरत जनरली सामान्य तौर पर काम में नहीं आता तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इधर भी तो बताने हैं, ठीक है। एक क्या है, ये है आपका डिफॉल्ट कुछ स्टाइल्स, ठीक है, जैसे ये टाइटल के लिए है, ये नॉर्मल है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए कोई डॉक्यूमेंट का जो हेडिंग लिखता है ना टाइटल, तो ये पूरा हेडिंग्स जैसा है, यहाँ पे ये स्टाइल देखिए दिया हुआ है, इस पर मैं कर दूंगा तो ऐसा स्टाइल हो जाएगा, ये कुछ स्टाइलिंग वगैरह है, ठीक है। ये क्या है, इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूं तो आपको समझ में आएगा, थीम कह लो आप, ठीक है, ये देखिए बदल रहा है ना, तो ये यहां पे जो ये है ना फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह जो कह लो आप, उसी को यहां से बदला जाता है, ठीक, समझ में आ गया। यूज तो लोग इसका करते नहीं, बस है तो है, ये है कलर। अब इस कलर में मैं ला रहा हूं ना, तो जो अंडरलाइन है ना, ये अंडरलाइन में तो थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, इसमें भी इफेक्ट आ रहा है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इफेक्ट नहीं आ रहा है इसमें ना, चलिए इसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी सारा कलर है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ कलर पे आके, ये जो ग्रे स्केल है ना इस पर मैं क्लिक कर दिया, ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही आ रहा है, ठीक। फिर से यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर दूंगा तो इसी के रिलेटेड यहाँ पे पूरा कलर जो है आने लगेगा, क्लियर। तो शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, जहां पे समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है, किसी को जादू दिखाना होगा, ठीक है, तो बोलना जी कि यहाँ सारे कलर आ रहे हैं मैं गायब कर दूंगा, ठीक, और यहाँ पे आके कर देना ग्रे स्केल तो खाली इधर पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर आ जाएगा। मेरे को जी सारा कलर चाहिए तो मैं कर देता हूँ ऑफिस वाले में क्लिक और यहाँ पे आ जाएगा सारा जो है, ठीक, क्लियर है। ये फॉन्ट है, ये देख लीजिए, ये तो इफेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, फॉन्ट में दिख रहा है ना, इसको सेलेक्ट में करके रखा हूँ, आप भी सेलेक्ट करके रखिएगा तो होगा, ठीक। अब जरूरी जो बात है मैं उस पर आ जाता हूँ, फाइंड ये सब, ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, आप जो कंट्रोल ए बता रहे थे ना वही, ठीक, यहाँ पे आएंगे ऑल सेलेक्ट करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वगैरह करेगा, जैसे फोटो वगैरह इंसर्ट है या कुछ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बने क्या, इसको डेप्थ में इधर आके हम लोग समझेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इधर है ऑप्शन, ठीक है, अगर समय बच पा रहा है तो देख लेते हैं इस फाइंड को, ठीक है। चलिए जी ACMANT अमित क्या लिख दिया मैं, एडमिन गलत लिखा हूँ ना, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर, फिर लिख देता हूँ अमित, अंकित, सुमित, बहुत सारा नाम लिख दिया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ना कि इसमें अंकित कहाँ लिखा हुआ, जैसे अभी तो 3-4 कुछ नाम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यही 5000 नाम होता तब तो खोज नहीं पाता ना, ठीक है। तो मान लो मुझे यहाँ पे खोजना है अंकित को या फिर सुमित को, तो क्या करूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे सुमित, क्या लिख दिया मैं, सुमित, ठीक,
यहां पे लिख दिया, अब क्लिक कर दूंगा फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए हाईलाइट हो गया, सिलेक्ट हो गया, ये देखिए रीडिंग हाईलाइट पे कर दूंगा, ऑल हाईलाइट पे, तो ये हाईलाइट कर दिया, एक ही जगह मैच हुआ तो एक ही जगह हाईलाइट किया, जहां जहां मैच होता सबको हाईलाइट कर देता ये, ठीक है। तो ये फाइंड माने खोजना, ठीक है। इन तीनों को मैं बता लेता हूं तो इनका शॉर्टकट बटन बताऊंगा मैं, ठीक ठीक है। फाइंड पे क्लिक करेंगे तो करंट सेक्शन ये मैच किया, मेन डॉक्यूमेंट मतलब टोटल ये डॉक्यूमेंट में फाइंड कर रहा है, वैसे फाइंड ये देखिए। अब नेक्स्ट फाइंड पे, नेक्स्ट फाइंड जैसे क्लिक करते जाएंगे ना तो एक एक करके बारी बारी से फाइंड करता जाएगा, ठीक है। ज्यादा डॉक्यूमेंट होता तो मैं करके बता देता, आप ज्यादा कुछ टाइप करना, कोई एक वर्ड को बार बार डॉक्यूमेंट में लिख देना और नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करके एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो पूछना, ठीक। ये मेरे काम का नहीं है, काम का तो ये है प्रीफिक्स सरफिक्स, ठीक है, ये सबको जो है लगा के मैच कैस कि कैस सेंसिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप एक बार एक्सपेरिमेंट करो इस पर, ठीक है। बताऊंगा तो फिर और समय हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइंड करता है, फाइंड माने खोजना, तो फाइंड समझ में आ गया ना। चलिए रिप्लेस पे आते हैं। रिप्लेस माने क्या, पुराना को हटा के जी नया ले लाओ, ठीक है। ये देखिए रिप्लेस, अब मैं ये चाहता हूं कि सुमित को हटा दूं और फिर यहां पे कुछ और ले लाऊं। सुमित को हटा के क्या ले लाऊं जी, कुछ नाम बताओ। अंकित, क्या ले लाऊं, अंकित तो इसमें पहले से मौजूद है, कुछ नाम बताओ। नहीं बताना, निशा, ईसा, निशा ना, एन आई एस एच ए, ये स्पेलिंग सही है। ये देखिए आ गए आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक, पहले तो फाइंड पे क्लिक करता हूँ, फाइंड पे क्लिक किया, ये मिल गया इसको, ठीक है। ये हाईलाइटेड है इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, नीचे देखिए थोड़ा सा है ना कलर दूसरा, तो ये फाइंड कर लिया, ठीक है। फाइंड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि रिप्लेस करे, तो इस पर रिप्लेस करूंगा तो सिर्फ जो फाइंड हुआ है उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। और इस पर क्लिक कर दूंगा तो रिप्लेस ऑल कर देगा, टोटल रिप्लेस कर देगा डॉक्यूमेंट में जितना नाम होगा, ठीक है। मैं रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ, कर दिया जी। अब बोल रहा है कि जी ये मैं कर दिया हूँ, ठीक है। अब सुमित जी चले गए, निशा आ गई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट में कुछ लिखे हैं, ठीक है, बाद में आपको चला कि ये वर्ड का स्पेलिंग तो मैं गलत लिखा हूँ, ठीक है, तो उस गलती को सुधारने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। समझ में आया रिप्लेस, आगे चलें। रिप्लेस के बाद आता है गो टू। गो टू के मतलब है चला जाना कहीं भी। अब कहाँ जाऊं जी, बता रहा हूं कहां जा रहे हैं। कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, पेज ब्रेक होगा, पेज के रिलेटेड सेटिंग इधर पेज लेआउट वगैरह में देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल एंटर में दबाए रहा थोड़ी देर, आ गया 18 पेज में। मेरा बॉस आया बहुत जल्दी जल्दी में, बोला देख जल्दी से 15 नंबर पेज निकाल, ठीक है। 15 नंबर पेज तो मैं इसे स्क्रॉल करने में तो समय लगेगा ना, मैं क्या काम करूंगा, ये गो टू वाले में जाऊंगा और यहाँ पे पेज को सिलेक्ट करूंगा और कर दूंगा 2। नम लॉक मेरा बंद है क्या, ये देखिए 2 करूंगा। अभी कर्सर मेरा पहले नंबर पेज पे है क्या, हाँ पहले नंबर पेज पे है, ठीक है। एक गो टू, यहाँ से भी आ जाऊंगा मैं, ठीक है। गो टू पे आया, कर दिया यहाँ पे 2, ठीक है, और गो पे क्लिक किया, दूसरा नंबर पेज पे आ गया। यहाँ पे 10 लिखूंगा तो 10वां नंबर पेज पे चला जाऊंगा, ठीक है। वैसे ही है सेक्शन, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट तो मैं लिखा नहीं हूं कि सेक्शन को भी बता दूं, चलो जी मैं सेक्शन नहीं बताता हूं, लाइन को बता दे रहा हूं। कुछ इतना लाइन में कर दिया इसको, ठीक है। अब एक ही सेक्शन है तो है नहीं इसमें,
चलो मैं कल इसको सेक्शन वगैरह मैं बना के रखे रहूंगा, फिर कर दूंगा, ठीक है, बनाऊंगा, थोड़ा फॉर्मेटिंग करूंगा, समय लगेगा, ठीक है। लाइन को देख लेते हैं, मेरे को जाना है किसने, तीसरे नंबर लाइन पे क्लिक करूंगा, तीसरा लाइन पे चला गया। मैं दूसरे लाइन पे जाना चाह रहा हूँ, क्लिक करूंगा, दूसरा लाइन पे चला गया, ये लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। पेज समझ में आ गया होगा, लाइन समझ में आ गया होगा। ये है बुक मार्क, बुक मार्क पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बुक मार्क का लिस्ट आ जाएगा। अब मैं लाइट का क्या करूं, ये कट जा रहा है, बस थोड़ा सा तो बचा है। चलिए दो मिनट और वेट कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, दस मिनट का ही अब है, ठीक है। चलो जी, कहाँ था मैं, इस पे था ना, चलो याद करके रखा हूँ अभी। पेज बता दिया था, लाइन बता दिया था, ठीक है। बाकी जो है ना, बुक मार्क है, कॉमेंट है, फुट नोट, इंड नोट, फील्ड है, इन सबको मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, टेबल ग्राफ, ठीक है, सारे को तो नहीं, लेकिन बुकमार्क को बता दूंगा, बाकी एक दो चीजें और जो जो काम का है वो चीज मैं बता दूंगा, ठीक है। बुकमार्क को नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बुकमार्क क्या होता है मैं तो अभी वही नहीं बताया हूँ, बुकमार्क बनाया कैसे जाता है मैं यही नहीं बताया अभी तक, ठीक है। ये बताऊंगा कब मैं, ये आएगा आपका इधर इंसर्ट वगैरह में, ठीक है, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, इधर आऊंगा तो जैसे जैसे मिलता जाएगा टॉपिक वैसे ऐसे बताइए। देखिए यहाँ पे बुकमार्क है, हाइपर लिंक है, तो हाइपर लिंक बुकमार्क जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आएगा तो बता दूंगा वो, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट बटन, ठीक है, इसका शॉर्टकट बटन क्या है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ से होगा फाइंड, पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूछेगा परीक्षा में, ठीक है, कंट्रोल एफ से होगा फाइंड, ठीक है। जो डायलॉग बॉक्स खुलता है ना उससे तो तीनों काम होता है, फाइंड होता है, रिप्लेस होता है, गो टू होता है, ठीक है। हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछा रखा जाए कि कंट्रोल जी है और पूछ रहा है फाइंड का शॉर्टकट बटन, ठीक है, तो एक ही शॉर्टकट बटन से डायलॉग बॉक्स तो खुलता है लेकिन तीनों काम उसी से हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल एफ से फाइंड वाला एक्टिव रहेगा, ये वाला टैब, ठीक। रिप्लेस का क्या, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल एच से रिप्लेस का शॉर्टकट बटन है, रिप्लेस वाला एक्टिव रहेगा, ठीक है। कंट्रोल जी करोगे तो क्या होगा, गो टू वाला जो है एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि कंट्रोल जी दबाऊंगा तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुला रहेगा और एक्टिवेट कौन सा टैब रहेगा, ठीक। तो कंट्रोल जी दबाएंगे तो आपको इसमें एक गो वाला टैब एक्टिवेटेड मिलेगा, कंट्रोल एच दबाएंगे तो रिप्लेस वाला टैब एक्टिवेटेड रहेगा, रिप्लेस का शॉर्टकट बटन, कंट्रोल एफ दबाएंगे तो फाइंड वाला होगा, ठीक। तो इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो लगभग मुझे लगता है कि ये वाला अब खत्म हो गया, ठीक है, बंद कर दूं मैं इसको। कोई समस्या है तो आप पूछ लेना, ठीक है, मैं इसको भी अब